हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी से तीन फ्लेवर वाले मक्खन। जो लड्डू गोपाल के जब भी आप भोग लगाते हैं तो आप एक ही तरह का मक्खन बनाते हैं, तो इस बार मैं थ्री फ्लेवर के मक्खन बना रही हूँ। तो एक शाही भोग है, एक रोज़ फ्लेवर और एक चॉकलेट फ्लेवर के। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फ्रेश मलाई ली है और ये मेरे घर की दूध निकाली हुई मलाई है। तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं मक्खन, और ये घर का मक्खन है तो इसे मैंने थोड़ा सा फैट लिया है ताकि ये मक्खन बन जाए। तो घर की मलाई बहुत शुद्ध होती है और इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, तो आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ तुलसी के पत्ते, क्योंकि जो लड्डू गोपाल का भोग बनाते हैं तो तुलसी के पत्ते ज़रूरी हैं डालना। तो अब इस चीनी को थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मीठापन सा टेस्ट आ जाए। और फिर मैं तीन फ्लेवर के मक्खन बना रही हूँ तो तीन बाउल में हम डाल रहे हैं। तो आप सिंपल भोग लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और इस एक चॉकलेट फ्लेवर का बनाएंगे, उसमें मैं चॉकलेट डाल रही हूँ मेल्ट की हुई, और एक शाही भोग वाले में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर है भिगोया हुआ, और एक में मैं डाल रही हूँ रोज़ फ्लेवर यानी रोज़ सिरप। तो इन तीनों को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा केसर वाले में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, और चॉकलेट वाले में टूटी फ्रूटी, और रोज़ फ्लेवर में ये रोज़ पेटल्स हैं, ड्राई रोज़ पेटल्स, आप फ्रेश रोज़ पेटल भी डाल सकते हैं। और अब मैं इन तीनों में ही थोड़ी थोड़ी मिश्री डाल रही हूँ, क्योंकि माखन मिश्री का भोग बनाते हैं तो मिश्री डालनी ज़रूरी है। तो इन्हें तीनों को ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये शाही मक्खन हमारा रेडी है, और अब रोज़ फ्लेवर का भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो मक्खन में आ जाए। रियली में ये इतने टेस्टी लगे थे खाने में, तो लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आएंगे आपके। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो इस तरह से मक्खन जरूर बनाइएगा। तो आप चाहे तो कटोरी में भी भोग लगा सकते हैं। तो तीनों फ्लेवर के मक्खन रेडी है। तो अगर आप मटकी, ये छोटी छोटी सी मटकी है मेरे पास, ये मैंने घर पर डेकोरेट की थी, तो आप चाहे तो मार्केट में भी डेकोरेट की हुई मटकी मिलती है इस तरह से, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं और घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो मैं तीनों मक्खन को छोटी छोटी सी मटकियों में डाल रही हूँ, ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये फ्लेवर वाला मक्खन बहुत अच्छा लगता है रियली में। तो कुछ नया सा करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मक्खन ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ मैं रोज़ पेटल से, स्प्रिंकल से, ड्राई फ्रूट से और चॉकलेट से। तो आप कद्दूकस करके चॉकलेट भी कर सकते हैं, और कुछ मैं तुलसी के पत्ते रख रही हूँ। तो लड्डू गोपाल के भोग के लिए तुलसी के पत्ते रखना ज़रूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल को जब भी हम कभी भी भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब भी जन्माष्टमी पे या कभी भी लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप इस तरह से तीन फ्लेवर के मक्खन बना सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को वैसे भी मक्खन बहुत पसंद है, मक्खन मिश्री। तो फ्रेंड्स, किस किस के पास लड्डू गोपाल हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।